इस बार हम आपके पास लेके आए हैं हिप की मोबिलिटी और स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस। अपने मैट पे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ, उंगलियां पीछे की तरफ, दोनों पंजे तकरीबन मैट से बाहर होने चाहिए। तो अगर आपको साइड से दिखाएं तो मैं हिप पे बैठा हूं, मेरे दोनों हाथ पीछे हैं, लोअर बैक अंदर है, चिन अप है, नीज ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पे हैं, दोनों पंजे सामने की तरफ। यहां से आप कोशिश करेंगे कि आपके हाथ ना हिले, दोनों घुटने साइड पे बेंड करेंगे और कोशिश करेंगे दोनों नीज को जमीन में प्रेस करने की। एक से दो सेकंड रुकेंगे, बिना पैर उठाए दूसरी साइड पे रोटेट करेंगे और जमीन की तरफ पुश करेंगे। अगर ये करते हुए किसी भी जॉइंट में आपको कोई भी पेन होता है तो उस रेंज तक ना जाएं, उससे थोड़ा पहले रुक जाएंगे। रोटेट एंड पुश, रोटेट पुश, रोटेट पुश, टू मोर, रोटेट पुश एंड लेफ्ट, रोटेट पुश, रिलैक्स। अपनी राइट लेग आगे रखेंगे, लेफ्ट लेग पीछे रखेंगे, राइट हैंड साइड पे फिंगर्स पीछे की तरफ, कोशिश करेंगे सीधा बैठने की। आपके हिप्स बहुत ही स्टिफ और टाइट हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर हम बैठ के पूरा दिन अपना काम करते हैं, पूरा दिन बिताते हैं। हम रियलाइज़ नहीं करते हम कितना टाइम बैठते हैं, 10 से लेके 15 घंटे तक कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दिन में बैठ के बताता है, तो उससे आपके हिप्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं। तो इस सूरत में जब आप कुछ भी वर्कआउट करते हैं या चलते भी हैं ज़्यादा, तो आपको कुछ ना कुछ बैक पेन या एंकल पेन या नी पेन स्टार्ट हो जाता है, जबकि आपका हिप जो है वो सबसे बड़ा जॉइंट है, लोड बेरिंग जॉइंट है। अगर वो ठीक से रोटेट और काम नहीं करेगा सो आसपास के जॉइंट्स में प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आपकी अगर बैक में पेन है, नी में पेन है, अगर आपके शोल्डर्स में भी पेन रह रहा है, तो हो सकता है कि आपके हिप्स बहुत ही टाइट हों। आप इस पोजीशन में बैठेंगे 10 से 15 सेकंड, ना एंकल पकड़ेंगे, चेस्ट को उठा के रखेंगे, कोशिश करेंगे अपने चिन से जितना दूर हो सके जाने की, कमर सीधी रखते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे एंड रिटर्न, चेस्ट टुवर्ड्स योर नी, हल्का सा रोटेट टुवर्ड्स योर राइट, बेंड एज फार एज यू कैन, रिटर्न चेस्ट टुवर्ड्स द एंकल। रोटेशन में भी अगर आपको कोई इशू है तो सिर्फ आप रोटेट करके भी रोक सकते हैं, बेंड करना ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ भी आप कंफर्टेबली अपने आप को थोड़ा सा पुश कर सकें वहाँ रोकेंगे, लंबा सांस लेंगे। हम नीचे जाएंगे एंकल की तरफ, एक बार और रिपीट करेंगे, चेस्ट टू द शिन, सांस लेते रहेंगे, 2 से 3 सेकंड का पॉज, चेस्ट टू द नी एंड चेस्ट टू द एंकल। Switch other side, left leg forward, right leg at the back. दोनों आपके knees में और hip में 90 degree का angle होना जरूरी है। ये position comfortable होगी तभी आप आगे progression करेंगे। अगर इसी position में आपको बैठने में problem हो रही है तो इस position को पहले master करने की कोशिश करें। 10 से 15 second अगर आप यहाँ बैठ सकते हैं comfortably तब आप progress करेंगे। आगे जाएंगे, pause, return, chest to the knee, return, chest to the ankle, return, एक बार और, chest to the shin, return, chest to the knee, return, chest to the ankle. अगर ये वाला ड्रिल आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप इसको दोबारा दोबारा रिपीट करके इस पे कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब आप नेक्स्ट ड्रिल कर पाएंगे। हम चलते हैं एक और ड्रिल की तरफ, सेम पोजीशन 90-90 में ही एक और ड्रिल, रियर लेग एक्सटर्नल रोटेशन, बाहर की तरफ रोटेट करना है आपको अपना हिप। कोशिश करेंगे आगे वाला लेग आपका बिल्कुल नहीं हिले, अगर आप बिल्कुल ना उठा पाए लेग अपने पीछे वाला तो आप हल्का सा सपोर्ट ले सकते हैं ज़मीन का। हम लेंगे सपोर्ट 5 repetitions के लिए, देन 5 without support. सो रियर नी गोज अप, पीछे वाला घुटना ऊपर उठाएंगे, कोशिश करेंगे ये घुटना छत की तरफ लाएंगे बाय 10th repetition और वो वाला पैर पूरा ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में बाय 10th repetition. सो गो स्लो एंड ट्राई टू इंक्रीज दैट रेंज विद एवरी प्रोग्रेसिव रेप। 3, 4,
फोर फाइव, अगेन किसी भी रेंज में अगर आपको पेन होता है तो एक शेड पहले उससे अपनी आप रेंज रोक सकते हैं. सिक्स, हैंड्स ऑफ द ग्राउंड. सेवन, इफ पॉसिबल लिफ्ट योर हैंड्स अप. एट, नाइन एंड टेन. रिलैक्स एंड स्विच साइड्स. लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग एट द बैक. Both knees and both hips at 90 degrees. Try to sit tall. First, place both hands firmly on the ground. Rear knee goes up. Pause for a second and return. 5 repetitions with support and then 5 without support. 3, 4, 5. Make sure your front leg stays grounded. Aage wala leg nahi uthayenge. Hands up if possible. अगर बहुत मुश्किल है तो आप हाथ नीचे रख के कंटिन्यू कर सकते हैं. 3, 4 and 5. आपका हिप बहुत ही मोबाइल जॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन है उसकी, बट जो 15 से 16 घंटे हम पूरा दिन बैठते हैं उससे वो फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए उसका मोबिलिटी प्रैक्टिस करना डे टू डे बेसिस पे बहुत 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 ज़रूरी है. नेक्स्ट ड्रिल फॉर योर हिप्स इज कॉल्ड अ फ्रॉग. फोल्ड द मैट फ्रॉम द एजेस. दोनों साइडों से आप अपने मैट को फोल्ड कर लीजिए. दोनों नीज वाइड जाएंगी आपकी, पंजे बाहर की तरफ. कोशिश करिए नीज जितनी वाइड खोल सके. बैक सीधी रखेंगे. दोनों फोर आर्म्स को पैरेलल रखेंगे. फिंगर्स आर वाइड ओपन. नीज के नीचे थोड़ा कुशन होना ज़रूरी है, तो आप अगर तकिया या कुशन कुछ भी रख सकते हैं घुटने के नीचे, वो रख लीजिए. बैक सीधी रखेंगे. चिन टक. आपका सर ड्रॉप नहीं करना चाहिए और ऊपर भी नहीं उठा देना चाहिए. सो नीचे देखेंगे दोनों पाम्स के बीच में. हेड टू टेल बोन, वन स्ट्रेट लाइन. यू ग्लाइड फॉरवर्ड एंड स्लोली ग्लाइड बैक एज फार एज यू कैन. ब्रीद इन टू द मूवमेंट फर्स्ट. फील हाउ इट ओपन्स अप your groin area, your inner thighs and your hip. 3, sit back as comfortable as possible. Make sure your spine is neutral. Head to tailbone, one straight line. Last repetition, पीछे जाएंगे, hold करके रखेंगे. Breathe deeper. Next time, जब आप आगे जाएंगे तो आपको left leg साथ में उठाना है. सो अपना घुटना ज़मीन पे रखिए, नी बेंड रखिए 90 डिग्रीज पे. आगे जाते हुए लेफ्ट लेग को उठा के अंदर की तरफ रोटेट करेंगे, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप. पॉज फॉर अ सेकेंड, रिटर्न बैक इनटू डीप फ्रॉग. ट्राई टू गो डीपर विद ईच प्रोग्रेसिव रेप. पुल द ग्राउंड इन, राइट लेग गोज अप, गोइंग ऑल्टरनेट साइड्स. राइट पैर उठाएंगे, इंटरनल रोटेशन. बाकी कोई भी आपका शरीर का हिस्सा जमीन के साथ टच नहीं होना चाहिए. कम बैक, पुश योर हिप बैक, ब्रीद इन टू इट, पुल द ग्राउंड, कीप योर चेस्ट एलिवेटेड, लिफ्ट योर लेफ्ट लेग, रोटेट इंटरनली फ्रॉम द हिप, रिटर्न, कम बैक, पुल द ग्राउंड, राइट लेग गोज अप, इंटरनल रोटेशन, ब्रीद थ्रू इट. Relax. Last two repetitions, one on each side. Pull the ground in, left leg goes up, internally rotate the hip, breathe and return. Right or left hip, दोनों में भी आपको फर्क पता लगेगा. So कौन सा hip आपको ज़्यादा tight लग रहा है, जिसमें ज़्यादा problem है, rotation नहीं हो रहा है या आवाज़ आ रही है, उस side के hip पे आप 2 से 3 repetition extra भी कर सकते हैं. सो मेरा भी लेफ्ट हिप थोड़ा सा राइट के मुकाबले टाइट है, तो मैं 1 या 2 रेपिटेशन अपने लेफ्ट हिप पे हमेशा ज़्यादा करूँगा. बढ़ते हैं हमारी थर्ड हिप मोबिलिटी ड्रिल की तरफ. आप अपने मैट को बीच में से फोल्ड करेंगे. घुटनों के नीचे थोड़ा कुशन होना चाहिए. सो मैट को 1 या 2 फोल्ड घुटनों के नीचे कर सकते हैं. बैक सीधी रखेंगे. राइट फुट आगे लेके जाएंगे. दोनों हाथ अपने हिप पे, अपने पेल्विक बोन पे रखेंगे. पीछे वाला टो टक रखेंगे. अपने हिप को पकड़ के आपको नीचे की तरफ रोटेट करना है. सो अपने हिप को ग्रिप करिए और टिल्ट करिए. 1, 2, 3, 4
एंड फाइव, लास्ट रेपिटेशन रोक के रखेंगे, हल्का सा अपने लेफ्ट ग्लूट को, अपने इस मसल्स को टाइट रखेंगे और राइट घुटने को आगे की तरफ पल्स करेंगे. 1, 2, 3, 4 and 5. होल्ड. लेफ्ट आर्म ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, हल्का सा ऊपर देखेंगे, खींच के रखेंगे आर्म अपना, हल्का सा रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड पे और राइट पे बेंड करेंगे. रिटर्न, कम बैक अगेन, पेल्विक टिल्ट, स्क्वीज योर बट, राइट नी गोज फॉरवर्ड, लेफ्ट आर्म रीचेस अप, रोटेट टू योर लेफ्ट एंड स्लाइटली साइड बेंड ऑन योर राइट. ब्रीथ. वन मोर रेपिटेशन. टक योर पेल्विस, ग्लाइड फॉरवर्ड, लेफ्ट आर्म गोज अप, rotate to your left and side bend to your right. Relax. Switch other side. Left leg goes forward. Grab your pelvis. 5 pelvic tilts. Mobilizing your pelvis. 2, very very important for better locomotion. 3, 4 and 5. Stay here. Squeeze your right bum, right glute. Left knee pulses forward. 1, 2, 3, 4 and 5. Right arm reaches up high to the ceiling. Rotate to your right side and slightly bend towards your left. Breathe deeper. Return, come back. Pelvic tilt. 1. Knee goes forward. 2. Right arm reaches up, look up at the hand, rotate to your right and side bend on your left. Halka sa rotation aur halka sa side bend. Zyada aapne upar ki taraf stretch karke rakhna hai arm ko. Tuck the pelvis, glide your knee forward, reach up with your arm, look up, slight rotation to your right and side bend on your left. Breathe deeper. So you will feel a nice deep stretch from your obliques running down to your hip, this area. So this is the wrap up for this class. Let me know how you're feeling about these workouts. Leave a comment, share these videos, subscribe to our channel Fit Tak. Till then, signing off, Gagan Arora.